चलो लास्ट टाइम हमने ऐसा महिमा पूछी थी प्रेशर स्केलर वेक्टर वाला फंडा, बता देता हूँ क्या होता है। सुनो बच्चा, महिमा इसकी जो डेफिनेशन है मेरे पास, प्रेशर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं बच्चा कि जो प्रेशर है वो तो है तो स्केलर, तो हम क्या करते हैं मॉड ऑफ एफ परपेंडिकुलर, मॉड ऑफ एफ परपेंडिकुलर टू सरफेस बाय एरिया करते हैं हम लोग। तो हम एफ का क्या ले रहे हैं बच्चा, मॉड लेते हैं इसके अंदर, इसीलिए बच्चा हम लोग प्रेशर को क्या बोलते हैं बच्चा, स्केलर। और डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं कि सरफेस के, अगर फोर्स निकालना है प्रेशर से, फोर्स निकालनी है मान लो, प्रेशर गिवन है और फोर्स निकालनी है बच्चा मान लो, तो हम क्या करते हैं कि जो सरफेस है उसके 90 पे फोर्स की डायरेक्शन मान लेते हैं। बात समझ में आ गई बच्चा महिमा? यस सर। ठीक है, तो आज हमने क्या कहा था, मैंने क्वेश्चन भेजा था, क्वेश्चन ट्राई किया आप लोगों ने? यस सर। सारे हो गए क्या? थर्ड क्वेश्चन सर आंसर की मैं भूल गया बच्चा, एक्चुअली स्कूल चला गया था ना मैं, तो भूल, वो बेसिकली भूल गया। चलो भेज दूंगा आंसर की मैं आपको, ठीक है जी। आज थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, फिर कल डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है सर? आप नहीं कराते सर क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन पहले तुम ट्राई तो कर लो, जो डाउट हो करा दूंगा मार्को मैं, ठीक है? बोलो या कराऊं कुछ और क्वेश्चन? करा देते सर, करा देता हूँ, चलो कल करा दूंगा। चलो छोड़ो, अभी मेरा सिस्टम देख निकालना पड़ेगा मेरे को, फिर या निकाल लूं, टाइम वेस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, और तो कुछ नहीं है। अच्छा एक नहीं हुआ, बाकी सारे आंसर मैच करने, कोई करा दूं आंसर मैच करा दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आज थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें। तो बच्चा इसके अंदर जो बच्चा मेरे पास आएगा वो आता है पास्कल लॉ। नाम सुना है? ठीक है, ये क्या लिख दिया इसने, एस्ट्रल लॉ लिख दिया इसने। हाँ जी फ्लूइड के द्वारा बच्चा, तो पास्कल लॉ नाम सुना बच्चा आप लोगों ने? पास्कल सुना है लेकिन नाम लॉ नहीं सुना, कोई बात नहीं सुनो। देखो होता क्या बच्चा, इसने ये कहा कि मान लो, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, मान लो कॉमन सेंस, इसने फालतू में क्रेडिट ले लिया, वैसे है कॉमन सेंस पास्कल ने सुना तो ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो ये प्रेशर, मान लो ऐसे मेरे पास ये लिक्विड था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल सबने रिकॉर्डिंग देख ली थी भाई, कल बच्चे कम आए थे, रिकॉर्डिंग देखी सबने? Yes. ठीक है, अब बच्चा देखो, मान लो यहाँ पे मान लो हवा नहीं होती, मान लो एयर नहीं है और लिक्विड की डेंसिटी मेरे पास रो है और ये डेप्थ मेरे पास मान लो एच है, तो यहाँ जो प्रेशर होगा बच्चा कितना होगा? सर जो ऊपर वाले वाटर कॉलम का प्रेशर है बस, जो यहाँ पे प्रेशर है मास की वजह से आ रही है, मास की वजह से वो आएगा, कितना आएगा एच रो इनटू जी आएगा बच्चा, मानते हो? तो अब मान लो, या प्लीज अब क्या कर रहे हो बच्चा भाई? तो बेसिकली अगर मैं एयर नहीं थी तो प्रेशर कितना एच रो जी था मेरे पास, अब मान लो एयर आ गई, एयर आ गई तो प्रेशर लगेगा बच्चा पी नॉट लगेगा बच्चा, मानते हो? तो बच्चा मैं यहाँ पे प्रेशर लिखूं, यहाँ लिखूं या कहीं भी लिखूं, तो यहाँ प्रेशर क्या आएगा पी नॉट प्लस एच रो जी, यहाँ भी क्या आएगा पी नॉट प्लस एच रो जी, और यहाँ भी क्या आएगा पी नॉट प्लस एच रो जी, मानते हो?
बताया था ना, तो इसके इससे पास्कल ने आइडिया लगाया कि यार जो ये पी नॉट है ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है बच्चा, मानते हो? ये किसने लगाया? एयर ने लगाया। तो इसने पास्कल ने सिंपल यही बोला कि जो भी हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं ठीक है लिक्विड पे, वो लिक्विड के हर पॉइंट पे सेम पास ऑन होगा। जो भी हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हैं लिक्विड पे, वो लिक्विड के हर पॉइंट पे सेम पास होगा विदाउट डिमिनिशिंग, मतलब बिना कोई कमी आए। बात समझ में आ रही है? यहां लिखता हूं, मान लो मैं, मान लो पहले ये हाइट मान लो मेरा एच वन थी, तो यहाँ कितना था बच्चा पहले मेरे पास एच वन रो जी था प्रेशर। जब मैंने एयर लगा दिया तो प्रेशर क्या बन जाएगा? पी नॉट प्लस एच वन रो जी। तो बेसिकली लिक्विड किसी भी पॉइंट पे मैं जाऊंगा तो जो भी मैंने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है वो लिक्विड के हर पॉइंट पे इक्वल ही मिलेगा बच्चा, मानते हो? विदाउट डिमिनिशिंग। यही पास कर लो जी। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है बच्चा मेरे पास, मानते हो? सेम फोर्स पास करेगी वो, ठीक है? यही इसका बेसिक ये चीज है। तो पास्कल ने ये बोला कि एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन एनी लिक्विड या फ्लूइड इज पास्ड टू ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड। एक शब्द लिखना आपको, अनडिमिनिश्ड, मतलब बिना कोई कमी आए। बात समझ में आई बच्चा ये? अब इस पास्कल का कुछ एप्लीकेशन है, पास्कल का कुछ एप्लीकेशन है जिसे हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट। बताता हूं क्या फंडा है, सुनो। नाम सुना हाइड्रोलिक लिफ्ट का? चलो कोई बात नहीं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, पास्कल लॉ को यूज करेंगे हम लोग और एक चीज बनाएंगे जिससे हम हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं बहुत कम फोर्स लगा के। जैसे मान लो बच्चा मेरे पास एक ऐसे कंटेनर है ऐसे इस शेप का, और यहां पे एरिया बहुत बड़ा है, यहां लिक्विड भरा हुआ बच्चा, मान लो पूरा यहां तक पूरा लिक्विड फिल इन है यहां पे, यहां से लेके पूरा यहां तक। तो यहां पे बच्चा ये मान लेते एरिया क्या है, छोटा ए है, और इसका एरिया मान लेते हैं बच्चा कैपिटल ए है, ठीक है बच्चा? और लिक्विड भर रखा है, और लिक्विड कैसा है? इनकम्प्रेसिबल। कैसा? इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है। अब मान लो बच्चा मैंने यहां पे एक्सटर्नल प्रेशर लगाया पी। क्या लगाया? एक्सटर्नल प्रेशर पी लगाया। तो ये पी जो है यहां पे फोर्स लग, यहां पे भी तो प्रेशर आएगा बच्चा, क्या सेम आएगा डिफरेंट आएगा? इस सरफेस पे सेम आएगा बच्चा, प्रेशर सेम आएगा बच्चा पी। तो मानते हो किसके अकॉर्डिंग? पास्कल के अकॉर्डिंग। आना बोलो। जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाता हूं वो हर पॉइंट पे सेम पास होता है। तो अगर मैं इस एंड पे मैं प्रेशर एक्स्ट्रा लगा रहा हूं तो यहां पे भी प्रेशर लगेगा और वो सेम जाएगा बच्चा, ठीक है जी? अब प्रेशर मान लो, इस प्रेशर को कन्वर्ट कर लूं फोर्स में। यहां फोर्स मान लो F1 मानता हूं, यहां फोर्स मानता हूं F2। तो बच्चा बताओ F1 की वैल्यू क्या आएगी यहां पे? प्रेशर था फोर्स बाय एरिया भाई, F1 बाय A, छोटा ए। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चा मेरे पास? तो ये बन गया मेरे पास, ठीक है? अब यहाँ पे जो प्रेशर है वो सेम ही है मेरे पास, तो F2 की वैल्यू क्या आएगी? P into capital A. चलो
अब मुझे क्या करना है, इन दोनों फोर्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मुझे पता है प्रेशर तो दोनों सेम है, बच्चा मानते हो? Yes, प्रेशर दोनों सेम है, तो यानी एफ वन बाय ए छोटा ए इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ टू बाय बड़ा ए। आना बोलो। Yes. ठीक है, तो इससे एफ टू वैल्यू निकालते हैं। एफ टू वैल्यू क्या आएगी? यहाँ तक तो दोनों के प्रेशर इक्वेट किए, यहाँ से प्रेशर जो आ रहा बच्चा वो प्रेशर था एफ टू बाय कैपिटल ए, दोनों प्रेशर सेम है अकॉर्डिंग टू पास कर लो। तो मान लो मैंने, अब ये देखो ये वाली वैल्यू जो है ए बाय मतलब कैपिटल ए बाय स्मॉल ए, इसको बड़ा कर दूं, 100 गुना कर दूं। मान लो ए बाय छोटा ए 100 है, 100 टाइम्स है बेसिकली बड़ा ए, तो एफ टू बड़ा होगा एफ वन से या छोटा होगा? बड़ा। तो मैंने फोर्स कितनी लगाई, मैंने यहाँ फोर्स लगाई एफ वन, और मुझे यहाँ फोर्स मिली कितनी, एफ टू मिली, बच्चा मानते हो? खाना बोलो। तो एफ टू बड़ा है किससे, एफ वन से, तो मैंने एफर्ट कम लगाया और फोर्स ज्यादा जनरेट कर ली। तो यहाँ पे हम क्या रखते हैं, वो सामान रखते हैं जिसे हमें लिफ्ट करना है। यहाँ पे क्या रखते हैं, वो सामान जिसे हमें लिफ्ट करना है। तो हम कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं, कैसे, हम ए बाय ए का रेशियो जितना बड़ा करेंगे उतनी बड़ी फोर्स हो जाएगी बच्चा। Yes. तो बच्चा पास्कल लॉ को यूज करके हम क्या बनाते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं। तो सारा फंडा क्या है, एरिया क्या है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें करना चाहिए ये वाला एरिया छोटा ए को बहुत कम रखें और कैपिटल ए को बड़ा रखें, जिससे हम कम फोर्स से भी ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यही हाइड्रोलिक लिफ्ट है। तो पहली चीज तुम्हें याद होनी चाहिए पास्कल क्या है। पास्कल ने कहा था कि एक्सटर्नल प्रेशर जो भी लगाएंगे लिक्विड पे, वो लिक्विड में हर जगह पे सेम जाएगा विदाउट एनी डिमिनिशिंग, मतलब बिना कमी के हर जगह सेम पास ऑन होगा। और उसका एप्लीकेशन क्या है मेरे पास, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है बच्चा, यार एक बार दोबारा रिपीट करना। देखो बच्चा सुन मेरी बात, मैंने क्या किया, मान लो ये एंड बोल देता हूँ मैं, ये एंड दिख रहा है बच्चा लेफ्ट एंड वाला, ठीक है जी, इस एंड पे मैंने प्रेशर पी अप्लाई किया, तो जो प्रेशर मैंने पी अप्लाई किया वो एक्सटर्नल बच्चा मानता है, वही मेरा राइट एंड पे प्रेशर लगेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर जो हम लगाते हैं एक्सटर्नल वो सब जगह सेम पास होता है, तो यहाँ पी लगेगा। तो इस पी की जगह जो फोर्स लगी एफ वन लगी, तो मैंने क्या लिखा, पी इज इक्वल टू एफ वन बाय छोटा ए, मानते हो? यस सर। यहाँ फोर्स मैंने एफ टू मान ली, तो मैंने क्या लिखा, पी इज इक्वल टू एफ टू बाय बड़ा ए। अब दोनों प्रेशर तो बराबर है पास्कल के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, एफ वन बाय छोटा ए इज इक्वल टू एफ टू बाय बड़ा ए, मानते हो? यस सर। तो मुझे एफ टू निकालना था, तो एफ टू की वैल्यू क्या आ गई, एफ वन इंटू बड़ा ए बाय छोटा ए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कमजोर आदमी मान लो, तो मुझसे फोर्स लग नहीं दी और मुझे चीज को उठाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करूंगा, ताकि मैं अपनी कम फोर्स यानी एफ वन जो मेरी फोर्स थी उसको मल्टीप्लाई कर रखा है मैंने किससे, बड़ा ए बाय छोटा ए। तो बड़ा ए बाय छोटा ए का फ्रैक्शन जितना बड़ा कर लूं, 100 गुना 200 गुना 300 गुना कर लूं, तो उससे मेरा एफ टू बड़ा हो जाएगा बच्चा, मानते हो? तो कम फोर्स लगा के मैं ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। आई बात समझ में या नहीं आई? सर लिक्विड कौन सा यूज करते हैं? वो इसी कंप्रेसिबल लिक्विड यूज कर लो, ठीक है बच्चा, जो कंप्रेस ना हो। एग्जांपल? हाँ जी, वैसे तो हम पानी यूज करते हैं, ठीक है बच्चा। लिक्विड में कंप्रेशन वो बहुत कम होता है, रेयरली होता है, लेकिन थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा लार्ज प्रेशर पे जाके थोड़ा बहुत कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन माइन्यूट सा होता है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको। तो ये समझ में आ गया पास्कल लॉ? यस सर। अब जो हमें पढ़ना है बच्चा वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इस पे अच्छे सवाल भी बनेंगे और तुम्हें मजा भी आएगा, ठीक है जी, वो है बर्नौली,
बायंसी, नाम सुना है लॉ ऑफ फ्लोटेशन या बायंसी? ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर जय अच्छे सवाल पूछती है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन या बायंसी? तूने पढ़ा कभी ये? Yes. पढ़ा हुआ है। अच्छी बात, चलो सुनो। तो बच्चा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि है क्या। तो जब भी हम किसी भी चीज को पानी पे रखते हैं, ये कुछ और ही बनाया जाता है, ठीक है जी। जब भी किसी चीज को पानी में रखते हैं, किसी लिक्विड रखते हैं, तो हल्की महसूस होती है भारी? हल्की महसूस होती है। क्यों हल्की महसूस होती है? गुड, शाबाश। तो कभी तुम जैसे तुमने कभी बचपन में खेल भी किया होगा, तुमने मग को लेते, तुम लोग जैसे बाल्टी में मग डालते हो, उसको अंदर घुसाते हो, फिर भी ऊपर आ जाता है। देखा हो तुम लोगों ने कभी खेल खेला होगा तुमने। तो वो क्यों ऊपर आता है, उसका कारण है बायंसी। तो पहले सुनते हैं कि बायंसी है क्या, कितना लगता है, क्यों लगता है, इसका कारण देखते हैं। सुनो, देख बच्चा कारण क्या है इसका, पहले सुनो। बायंसी है कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रेशर डिफरेंस है। क्या है? प्रेशर डिफरेंस। जैसे मान लो मैंने एक लिक्विड लिया, मान लो लिक्विड हाइपोथेटिकल मैंने एक क्यूब बना लिया। क्या बना लिया? एक क्यूब बना लिया। तो बच्चा सुनो, यहां पे लिक्विड है मान लो, ठीक है जी। लिक्विड तो सब जगह पे है, लेकिन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ प्रेशर कितना है बच्चा? P0 है। और मान लो ये हाइट h है मेरे पास, ठीक है जी। तो यहाँ प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस h रो। मान के बच्चा, तो अगर मैं इसका FVD बनाऊं, इस लिक्विड का FVD बना दूं बच्चा, मान लो तो नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है P0, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? P0 प्लस एच रो जी बच्चा, मानते हो। और साथ में इसका वेट भी लग रहा होगा, साथ में इसका वेट भी लग रहा है बच्चा, मानते हो। आना बोलो। Yes. तो क्या ये लिक्विड रेस्ट पे है या मोशन में? रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर था नीचे, नीचे प्रेशर एक्स्ट्रा बच्चा, मानते हो। Yes. Yes. तो नीचे जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसने क्या बैलेंस कर रखा है? वेट को बैलेंस कर रखा है। तो बच्चा सुनो, बायंसी मतलब क्या है? बायंसी एक फोर्स है जो लगती है ऊपर की तरफ। क्या लगती है? ऊपर की तरफ। और कारण क्या है उसका? उसका कारण क्या है? प्रेशर डिफरेंस। क्या है? प्रेशर डिफरेंस। ऊपर और नीचे में डिफरेंस मानते हो, फर्क है, मानते हो। Yes. तो बच्चा सुनो, ये फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चा? सुनो, प्रेशर डिफरेंस कितना है? एच रो जी है बच्चा, मानते हो। Yes, sir. तो मुझे निकालना क्या है? फोर्स निकालनी है। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। नहीं चमका, नहीं चमका ना? रिपीट करता हूँ, सुनो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि बायंसी क्यों पैदा हुई। जब भी किसी चीज को हम डुबोते हैं पानी में या रखते हैं, तो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगती है। ये तुमने सबने ऑब्जर्व किया है। वो क्यों लगती है, इसका कारण क्या है? प्रेशर डिफरेंस। नीचे प्रेशर ज्यादा होता है और ऊपर प्रेशर कम होता है। तो नीचे की जैसे मान लो, मैं आपको, मैंने वीडियो ऑन कर रखा है, नहीं कर रखा। जैसे मान लो बच्चा, ये मेरा सेलफोन है, ठीक है जी। इसकी हाइट दिख रही है, मतलब ये है, यहाँ प्रेशर लिक्विड नीचे दबा रहा है इसको, और ये नीचे वाला ऊपर दबा रहा है बच्चा, मानते हो। Yes. तो बच्चा इसका जो सेलफोन का जो एरिया है, ये एरिया दिख रहा है बच्चा, तो प्रेशर इनटू एरिया कर दूं तो वो ऊपर वाली फोर्स होगी बच्चा, मानते हो। Yes. और जो ऊपर वाला प्रेशर था इनटू ये एरिया कर दूं, वो डाउनवर्ड फोर्स होगी, ठीक है। लेकिन प्रेशर नीचे ज्यादा है, प्रेशर नीचे ज्यादा है, तो ऊपर से भी फोर्स लगा रहा है वो,
और नीचे से ही फोर्स लगा रहा है, लेकिन ऊपर वाली फोर्स कम है एज कम्पेयर टू नीचे वाली फोर्स, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगी बच्चा? यस। तो वो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगी, वही क्या कहलाती है मेरे पास, बायंसी कहलाती है। ठीक है जी, तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बायंसी है क्या। सिर्फ प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स पैदा हो रही है वही मेरा बायंसी है। बात चमक गई? यस सर। अब इसकी वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, सवाल कैसे करने हैं। तो बायंसी क्या है, जब भी किसी लिक्विड, जब भी किसी बॉडी को हम इमर्स करेंगे, क्या करेंगे, इमर्स करेंगे किसमें, लिक्विड में, पार्शियली या होली, मतलब पूरा डुबो दें या कुछ रखा हो उसके ऊपर, तब उस पर क्या लगती है, एक अपवर्ड फोर्स लगती है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, बायंट फोर्स बोलते हैं। और उसका कारण क्या है, प्रेशर डिफरेंस। लिखवा दूं ये? यस। लिखवा देता हूं डेफिनेशन बायंसी की क्या है। सर एक फोर्स इसका वेट नीचे की तरफ, तो वेट तो है उसका, तो उसी को तो बैलेंस किया बायंसी ने। अगर बैलेंस नहीं कर पाएगा, अगर बायंसी कम होती किससे, वेट से, तो बॉडी डूब जाएगी। आगे हम यही पढ़ने वाले हैं। देखो कोई चीज हम रखते हैं पानी में, डूब जाती है, कुछ चीज फ्लोट करती है, तो क्यों डूबती है, क्यों फ्लोट करती है, उसका कारण क्या है। अगर उसका वजन बायंट फोर्स से ज्यादा है, अगर मान लें उसका वजन बायंट फोर्स से ज्यादा है, तब तो वो डूब जाएगा, मानता है? यस सर। और बायंट फोर्स से कम है या बराबर है तो फ्लोट करेगा बच्चा। ठीक है, आगे यही पढ़ने वाले हैं बच्चा। आई होप मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया। यस। ईमानदारी से बोला सबको, आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। आ रहा है। ठीक, ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल है भाई, थोड़ा सा। ठीक है जी, इतना आसान नहीं है ये समझना, क्योंकि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं हुआ ये चीजें। जहां दिक्कत ले रोक देना मुझे, लिखवा रहा हूँ पॉइंट, लिखवा रहा हूँ। व्हेनेवर a body is immersed in a liquid partially or fully, it experiences an upward thrust. अपवर्ड थ्रस्ट लिख दो या अपवर्ड फोर्स लिख दो, एक ही बात है। ठीक है जी, अपवर्ड थ्रस्ट दैट इज कॉल्ड बायंट फोर्स, विच इज कॉज्ड due to pressure difference in the liquid. बात समझ में आ गई सबको ये? अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि बायंट फोर्स पता लगी कि ऊपर तरफ फोर्स लगती है। ठीक है जी, अब इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे इसे निकालें, वो हम करते हैं। करा दो बच्चा? यस। ठीक, तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास लगी थी क्या? यस। केमिस्ट्री में कितने बच्चा तुम लोग? सर आज नियरली 25 थे। 25 थे। अच्छा, यहाँ कम क्यों आते हैं भाई बच्चे? चलो भाई कोई बात नहीं, उनका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। चलो जैसे मान लो ये कंटेनर मान लो, ठीक है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिक्विड पूरा भरा हुआ, टिप तक भरा हुआ है लिक्विड। मान लो ये कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड पूरा टिप तक भरा हुआ है ऐसे, और इस कंटेनर को रखा हुआ है किसी और कंटेनर में, किसमें, किसी और बड़े कंटेनर में रखा हुआ है। ठीक है, दो कंटेनर है, दिख रहा है? Yes, sir. अब मान लो मैंने क्या किया, इसमें एक ब्लॉक रख दिया, ब्लॉक ऊपर से छोड़ रहा हूँ उसमें, मान लो ब्लॉक छोड़ा, तो जब इसमें रखूंगा तो लिक्विड बाहर आएगा, मानते हो?
Yes. Yes, sir. तो लिक्विड बाहर आएगा तो लिक्विड स्पिल होगा इसके अंदर. Yes, sir. तो जो लिक्विड बाहर गया उसे मैंने कलेक्ट कर लिया इसमें इसमें. मैंने जब इसको इसमें छोड़ा, इस ब्लॉक को छोड़ दिया मैंने इसके अंदर, तो लिक्विड बाहर आएगा. मान लो वो इतना लिक्विड बाहर आ गया, इतना लिक्विड बाहर आ गया. ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही है? Yes. तो ये जो वॉल्यूम है इसकी, हाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही बच्चा ही. तो ये जो बाहर आ गया वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी कर दूं तो वो क्या होता है मेरा बायंट फोर्स. इसे मैं एफ बी लिख रहा हूं, ये फेसबुक नहीं है. ठीक है जी, ये क्या है बच्चा, इसमें क्या आएगा, वो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू क्या करेंगे बच्चा, डेंसिटी ऑफ किसकी, ब्लॉक की या पानी की, पानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेंगे. ठीक है जी, इनटू जी कर देंगे. तो एक्चुअली बायंट फोर्स होती क्या है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, क्या होती है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है. लेकिन फॉर्मूला क्या है बच्चा, कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ ब्लॉक के डालने पे, ठीक है जी, और इनटू क्या, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी बच्चा. तो ये मेरा फंडा है किसका, बायंट फोर्स का, इसकी वैल्यू ये आएगी. बात समझ में आ गई? हाँ जी. यस ठीक है. महिमा एमजी लिख सकते हैं, एमजी लिख सकते हैं, लेकिन एम किसका, एम उस लिक्विड का जो पानी बाहर चला गया. ठीक है जी, बात समझ में आ गई? एक्चुअली इसको लिख, मैंने क्या लिखा है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लिखना है. एक्चुअली वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लिख दूं मैं, या फिर फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी. याद रहेगा ये? यस यस. अब मान लो तो ये तरीका हो गया, हर बार थोड़ी करेंगे कि पानी पूरा भर लेंगे इसके अंदर और जो पानी लिक्विड बाहर निकल गया उसे कलेक्ट कर लेंगे, उसकी वॉल्यूम नाप लेंगे, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको जी से मल्टीप्लाई. तो ऐसा तो नहीं कर सकते हर बार हम लोग. ठीक है जी, तो ये समझाने के लिए बता दिया मैंने आपको, ऐसे ही सिस्टम है. लेकिन क्या करते हैं, सुनो, मान लो जैसे मान लो मेरा ये कंटेनर है ऐसे, इसमें मान लो लिक्विड यहां तक भरा हुआ था, लिक्विड यहां तक भरा हुआ था. अब मैंने इसे ब्लॉक रख दिया, मान लो ब्लॉक ऐसे है मान लो. ठीक है बच्चा, तो अब आपसे पूछ रहा है बच्चा कि बताओ कि बायंसी कितनी लग रही है इस पर, डेंसिटी मान लो आपका रो एल लिख रहा हूं लिक्विड की ये, और रो बी लिख रहा हूं किसके लिए, ब्लॉक के लिए. दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होगी बच्चा, मानते हो ना? तो बच्चा सुनो, अब जो मेरा फॉर्मूला है एफ बी का, उसमें क्या था बच्चा, वो था वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी किसकी, लिक्विड की या ब्लॉक की, लिक्विड की इनटू जी. ठीक है बच्चा, तो बच्चा सुनो, अगर मान लो, अब कॉमन सेंस पूछ रहा हूं मैं आपसे कि लिक्विड कितना बाहर गया है, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ. जैसे मान लो इस पूरे ब्लॉक की वॉल्यूम है वी मान लेता हूं, और जो ये जो वॉल्यूम है इसे वी डैश मान लेता हूं, तो यहां पे क्या पुट करूं मैं, वी या वी डैश? वी डैश पुट करूंगा. अगर मान लो ब्लॉक ना होता, वी डैश वाली वॉल्यूम में अगर ब्लॉक ना होता तो क्या होता, पानी होता बच्चा, मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, इस ब्लॉक ने कितना पानी की वॉल्यूम डिस्प्लेस की, जितना डूबा हुआ हिस्सा है, जितना डूबा हुआ हिस्सा है बच्चा, मानते हो? Yes, तो V तो क्या है मेरे पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक है. V तो क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक. और जो V डैश है मेरे पास वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ इमर्स पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ इमर्स पोर्शन. बात चमक गई बच्चा? तो हमें क्या लेना है, ब्लॉक की पूरी वॉल्यूम लेनी है या ब्लॉक कितना डूबा हुआ है उसकी वॉल्यूम लेनी है? तो क्या ये कर लूं मैं, वॉल्यूम ऑफ इमर्स पोर्शन इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये क्या बन जाएगा बच्चा,
मेरे पास बाय एंड फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। बात चमक गई? यस। ईमानदारी से बोलो सबको आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अब मैं इसके सवाल कराऊंगा फिर देखो बढ़िया वाले, ठीक है जी? आ रहा है सर। ठीक है गरिमा आपको आ रहा है? यस सर। ठीक है बच्चे, तो अब सिंपल सिंपल सवाल पूछता हूँ आपसे, चलो बताना आप मेरे को, ठीक है? ये लल्लू सवाल है, एलपी लिख रहा हूं मैं, ठीक है? लल्लू प्रॉब्लम चैप्टर इंटरेस्टिंग है बच्चा, अगर आप ढंग से ध्यान सोचोगे ना तो मजा भी आएगा। मान लो मेरे पास लिक्विड की डेंसिटी क्या दे रखी है? रो दे रखी है। क्या दे रखी है? रो दे रखी है। अब आप मुझे बताओ कि मैंने एक ब्लॉक रखा, क्या रखा? एक ब्लॉक है मेरे पास मान लो, उसकी वॉल्यूम क्या है बच्चा? मान लो वी है, वॉल्यूम वी है, और डेंसिटी मान लो बच्चा मेरे पास कितनी है? रो बाय थ्री। कितनी है? रो बाय थ्री। इस ब्लॉक को मैं रख रहा हूँ लिक्विड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर रख रहा हूं, तो बच्चा मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये ब्लॉक पूरा डूब जाएगा या ऐसे वाला कुछ सिचुएशन होगा या बिल्कुल सिंक कर जाएगा ऐसे? एक तो सर तक पानी होना, ठीक है, और एक कुछ हद तक पानी होना, ठीक है जी, कुछ खाली कुछ ऊपर, ठीक है जी, और एक पूरा नीचे डूब जाना, तो कौन सा वाला केस बनेगा बच्चा? ए बी या सी? हाँ जी करीमा बोलो। बी, महिमा बी बोल रहे, गणेश भी बी बोल रहा, सब लोग बी बोल रहे हैं, गुड शाबाश। तो सुनो बच्चा, सही आपका आंसर बिल्कुल। देखो एक बात कहो, इस ब्लॉक को हमें रेस्ट पे रखना है ना बच्चा, तो सुनो ये ब्लॉक है, क्या ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से या कम है? कम है तो फ्लोट तो करे, पक्की बात है, ठीक है जी, मानते हो? yes, तो मुझे वेट बैलेंस करना है, तो वेट क्या है इसका? इसका वेट है वॉल्यूम v इनटू डेंसिटी, किसकी लूं? ब्लॉक की। ब्लॉक की लूंगा डेंसिटी, तो वो कितनी है? रो बाई थ्री। बच्चा मानते हो? आना बोलो। yes, sir. भाई ये फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वेट बैलेंस कर रहा है किसको, मतलब बॉयंट फोर्स बैलेंस कर रहा है वेट को, मानते हो? यस सर। तो बॉयंट पहले क्या लिख रहा हूं मैं? बॉयंट फोर्स, तो वॉल्यूम पूरी नहीं, पहले वेट लिख रहा हूं, सॉरी, वेट में तो ये आएगा इनटू जी आएगा बच्चा। आना बोलो। यस सर। यस सर। भाई वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? मास हो गया। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास हो गया। मास इनटू ग्रेविटी क्या हो गया मेरे पास? वेट हो गया। इसे बैलेंस करना है किससे? बॉयंट फोर्स ने। तो मान लेता हूं कि वी डैश हिस्सा डूबा हुआ है, मान लेता हूं कि वी डैश हिस्सा डूबा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मानते हो? वो कितनी है? रो इनटू जी, तो जी ने जी को मार देना, रो ने रो को मार देना, तो वी डैश की वैल्यू क्या आएगी? v/3। तो इसका मतलब क्या है? ब्लॉक पूरा नहीं डूबेगा, कुछ हिस्सा ब्लॉक का डूबेगा और कुछ हिस्सा पानी के ऊपर रहेगा। बात समझ में आ गई? यस यस। तो बच्चा जब भी आपको पता लग जाए कि डेंसिटी बॉडी की कम है, किससे? लिक्विड से, फ्लोट करेगा, पक्की बात है, ठीक है जी? और जब फ्लोट कर रहा है इसका मतलब क्या है? वो नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब क्या है? फोर्स बैलेंस करेगी। तो दो फोर्स लगेंगे ब्लॉक पे, क्या? एक तो उसका वजन लगेगा, दूसरा क्या लगेगा बच्चा? उसका बाय एंड फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? सबको सबको आ रहा भाई? आना बोलो। यस। ठीक है, अब जो सवाल मैं आपको देता हूँ, बढ़िया सवाल देता हूँ, ठीक है? ये हो गया मेरे पास बायंट वाला। तो अब जो सिंपल था मेरे पास, लॉ ऑफ फ्लोटेशन बोल देते हैं या क्या बोल देते हैं हम लोग बच्चा? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो इस बंदे ने क्या कहा, सुनो, सिंपल सी बात कही इसने।
कि अगर मान लो वेट बड़ा है किससे, एफ बी से, तो क्या होगा बच्चा? फ्लोट करेगा। वेट बड़ा है पॉइंट से, डूब जाएगा, सिंक करेगा, सिंक कर जाएगा, सिंक। ठीक है जी। और अगर वेट मेरा छोटा है, फ्लोट करेगा, या तो फ्लोट करेगा बच्चा, मानते हो? एक्चुअली थोड़ा सिस्टम बता देता हूँ, दोनों तीनों में फर्क है, इक्वालिटी में फर्क आता है थोड़ा सा। लेस देन है मेरे पास, मैं केस बना दूंगा, ठीक है, तब भी फ्लोट करेगा। और वेट इक्वल टू बायंड फोर्स है, तब भी फ्लोट कर लेंगे, दोनों फर्क है। ये तो दो केस दिख रहे हैं बच्चा आपको, ये इनमें फर्क क्या है बच्चा, बड़ा छोटे वाले में? सर ऊपर वाले में तो वो कुछ हिस्सा डूबेगा, बट नीचे वाले में सारा हिस्सा डूबेगा, पर ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा। हाँ बात सही कह रहे हो, मैं केस बना, ए वाला केस था। हाँ वेरी गुड बच्चा। दो जो पहले वाला केस है, जब बड़ा है तो कुछ हिस्सा डूबेगा, खाली कुछ हिस्सा डूबेगा, ये हिस्सा डूबेगा, बाकी ऊपर रहेगा। लेकिन जो आपका इक्वेलिटी वाला केस है ना, तो वो कहीं पे भी हो सकता है, मतलब वो पूरा सर सर तक ऐसे, ये वाला केस हो सकता है या ये वाला केस, पूरा डूबेगा नहीं, मतलब जमीन पे नहीं जाएगा वो, ये चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं पे भी हो, जहां छोड़ोगे ना उसको, जहां भी ब्लॉक को छोड़ोगे बच्चा, वो वहीं रहेगा, बस सिंपल सी बात ये है। लिक्विड के अंदर जहां भी छोड़ दोगे ना उसको, ऊपर छोड़ोगे तो ऊपर रहेगा, मतलब रहेगा तो सर तक, लेकिन बेसिकली जहां लोकेशन छोड़ दोगे वहीं पे टिका रहेगा वो। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब सुनो मैं क्या कह रहा था आपको। हाँ, बायंड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है किसी बॉडी पे? सर जब वो पूरी इमर्स्ड रहेगी तो वॉल्यूम मैक्सिमम होएगी। हाँ गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट बच्चा। सुनो देखो, एक तो ये केस है बच्चा मेरे पास, मान लो ऐसे, एक केस मेरा ऐसे है बच्चा, तो है तो ब्लॉक सेम है मेरे पास, दोनों ब्लॉक सेम है ये, ठीक है जी, साइज थोड़ा अलग लग रहा होगा आपको, लेकिन मान लो ये सेम है दोनों ब्लॉक, ठीक है। तो बच्चा किस केस में बॉइंट फोर्स मैक्सिमम होगी इसमें? सेकंड वाले केस में। सेकंड वाले, क्योंकि एफ वी का फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ इमर्स पोर्शन इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। ये पोर्शन तो सेम रहेगा, जिसमें इमर्स पोर्शन ज्यादा होगा वहां पे बॉइंट फोर्स ज्यादा होगी, मानते बच्चा? यस सर। तो बेसिकली क्या है कि अगर मेरा, जैसे मान लो डेंसिटी ऑफ ब्लॉक मेरी ज्यादा है, मान लो किससे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो क्या कभी बायंड फोर्स बैलेंस कर पाएगी इसे वेट को? नो सर, क्योंकि अगर ये मेरी ज्यादा है तो उसका वेट क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इनटू जी, ये तो वेट ऑफ ब्लॉक हो गया। बायंड की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, पूरी पूरी डूब जाए बच्चा तो भी वी हो जाएगा, इनटू क्या कर दूं मैं, रो एल कर दूं, इनटू जी कर दूं, तो क्या कभी बराबर आ पाएंगे ये? नो सर, नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रो भी बड़ा है किससे, रो एल से। तो बायंड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू भी इसके वेट को बैलेंस नहीं कर पा रही है, इसका मतलब क्या है, ये सिंक कर जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब इस पे सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल पूछा था जेई ने मेरे टाइम में, पूछा सवाल करा दूं? यस सर। अगर तुम्हें बात समझ में आ रही है कि बायंड फोर्स होती क्या है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ इमर्स पोर्शन इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ठीक है जी। चलो एक सवाल जेई ने पूछा था, जबरदस्त सवाल है, पुट करता हूँ आपके सामने। मान लो आपने कभी पार्टी वार्टी, तुम करते हो, तुम लोग नहीं करते पार्टी, मान लो तुम पार्टी नहीं कर रहे, तुम कोक पी रहे हो, मान लो घर पे कोक तो पीते हो तुम लोग। yes, कोक पी रहे हो तुम लोग, ठीक है, और तुमने क्या किया, तुमने आइस क्यूब डाल दी, क्या डाल दी इसमें, आइस क्यूब डाल दी। आइस क्यूब डालने से लेवल बढ़ता है बच्चा, मानते हो? जैसे आइस क्यूब डालोगे लेवल बढ़ जाएगा बच्चा, मानते हो? yes, तो पहले लेवल यहाँ था, जैसे ही आपने आइस क्यूब डाला लेवल यहाँ पहुंच गया, ठीक है बच्चा। अब आपने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया इसको,
पांच मिनट के लिए इसको छोड़ दिया आइस क्यूब को और उसे मेल्ट होने दिया, आइस क्यूब को मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया हम लोगों ने, ठीक है। जब पूरी आइस पिघल जाएगी, जब पूरी आइस पिघल जाएगी तो बच्चा, मान लो ये लेवल एक्स था, पहले लेवल एक्स था विदाउट आइस क्यूब, जब आइस क्यूब डाल दी लेवल क्या हो गया, वाई हो गया मेरे पास, ठीक है। जब आइस पूरी पिघल जाएगी बच्चा, तो बताओ कि लेवल जो है वो वाई से बढ़ेगा, वाई से ज्यादा या वाई से कम या वाई के बराबर रहेगा? ज्यादा वाई से कम, वाई से कम, सोच रहे ज्यादा कम, सब लोग बोली जा रहे हैं, तुक्के मारे तुम लोग, सवाल को समझो सही, तुम तुक्के मार रहे हो, लॉजिक लगाओ, ऐसा थोड़ी होता है, एक दो मिनट लो आराम से, ज्यादा होगा कम होगा सब आंसर आ रहे हैं, कोई सेम वाला भी है क्या? सेम वाला कोई नहीं है, अच्छा चलो भाई करा दूं मैं, तुमने तुक्के मार लिए, करवा दूं महिमा? यस सर। अच्छा, आपने क्या सोचा था आंसर? सोचा आपने, बताओ क्या है, क्या लॉजिक क्या लगाया? सर ज्यादा होगा क्योंकि वो डेंसिटी लिक्विड की वाटर की ज्यादा होती है आइस से, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। ओके चलो, कुछ तो सोचा आपने, ठीक है जी, ऑल तो आपका आंसर सही नहीं है, ठीक है, बट स्टिल सोचा आपने, आई अप्रिशिएट दिस, ठीक है। नहीं बच्चा सुनो, है क्या फंडा, अब मैं करा रहा हूँ सुनो, ठीक है, तुमने आज मान लिया अपना जोर, ठीक है जी, अब मेरी बारी, ठीक है, होता कैसे, मान लो अच्छा ये बताओ, आइस जो है वो फ्लोट करती है पानी में, डूब जाती है पूरी? फ्लोट करती है, चलो गुड, इतना तुम्हें ज्ञान है, अच्छी बात है, तुम देखा भी शायद होगा जीवन में, तो ऐसा वाला सिचुएशन बनेगा बच्चा, मानते हो ये आइस है और ये पानी होगा बच्चा, ठीक है, तो इसने जो वॉल्यूम, अब मान लेते हैं कि आइस क्यूब की वॉल्यूम वी थी, मान लो क्या थी, आइस क्यूब की वॉल्यूम वी थी, और इतना इसका इमर्स पोर्शन है, इसे क्या मान लू, वी डैश मान लू बच्चा, आना बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आइस फ्लोट कर रही है या डूब रही है? फ्लोट कर रही है, इसका मतलब इसके वेट को बैलेंस कर रहा है किसने, बाइंड फोर्स ने? Yes, sir. तो बच्चा इसका वेट जो होगा वो होगा पूरी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, किसकी लूं, आइस की या वाटर की? आइस की लेंगे यार, ब्लॉक जो बना हुआ आइस की लेंगे, क्या करते हैं यार, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, वेट इज इक्वल टू बायंड फोर्स कर रहा हूँ, ये मेरा इक्वेशन लिखनी है हर बार मुझे, क्यों, क्योंकि ये फ्लोट कर रही है, ठीक है जी, तो इनटू जी आ गया, अब बायंड फोर्स कितनी है इसमें, वी डैश इनटू रो डब्ल्यू इनटू जी, यस गुड, बात समझ में, डेंसिटी ऑफ लिक्विड लेते हैं बायंड फोर्स में, हमेशा याद रखना, ठीक है बच्चा, बात चमक गई यहाँ तक? Yes, sir. तो जी ने जी को मार देना है, जी ने जी को मार देना है, तो इससे वी डैश की वैल्यू क्या आ गई, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी वाटर, मानते हो? Yes. अच्छा, अब आइस पिघल के क्या बनती है, वाटर बनती है, अच्छा इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, ठीक है जी, अब बताओ अगर मेरे पास 50 ml आइस है, क्या वो 50 ml पानी देगी? No. नहीं देगी ना, तुमने पढ़ा हो केमिस्ट्री में कि आइस के अंदर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। Yes, sir. तो आइस की वॉल्यूम ज्यादा होती है इसलिए डेंसिटी कम होती है उसकी, है ना, पढ़ा yes, होगा yes. तो बच्चा मुझे पता है कि आइस पिघल के पानी देती है, सबको पता है आइस पिघल के पानी देती है, सबको पता है, लेकिन मुझे पता है वॉल्यूम कंजर्व नहीं होती, जब भी आइस से वाटर बनाओगे तो वॉल्यूम कंजर्व्ड नहीं है, मानते हो? Yes, sir.
तो फिर क्या कंजर्व्ड होगा? मास। मास कंजर्व्ड होगा, गुड, शाबाश। तो मास कंजर्व करना है तो मास ऑफ आइस मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, जो बना है आइस से, ठीक है जी। तो मास ऑफ आइस क्या होगा? वी इनटू डेंसिटी ऑफ आइस, बच्चा मानते हो? हाँ ना बोलो। यस सर। अब मान लो जो वाटर बना है उसकी वॉल्यूम पता नहीं मुझे कितनी है, उसे वी डबल डैश मान लूं? मान लूं इनटू क्या करना? डेंसिटी ऑफ वाटर करना पड़ेगा, बच्चा मानते हो पानी बन गया। तो इससे वी डबल डैश की वैल्यू क्या आई? V into rho of ice by rho of water, बात चमकी? Yes sir। अच्छा एक बात, जैसे मान लो जब आइस, अभी फिलहाल आइस ने कितनी जगह पानी की ले रखी है, V या V dash? V dash। V dash ले रखी है। तो जब आइस नहीं रहेगी, जब आइस नहीं रहेगी बच्चा, तब पानी बनेगा बच्चा। तो अगर जो वी डबल डैश है, अगर जो बच्चा मेरे पास वी डबल डैश है मेरे पास, अगर वो इसी खड्डे में, जैसे मैंने खड्डा मैं दिखा रहा हूं बच्चा, ये भाई ये खड्डा बनाया था ना आइस ने, बच्चा मानते हो? अरे हाँ ना बोलो। ये खड्डा बनाया था आइस ने, आइस ने इतने वॉल्यूम की ऑक्यूपाई कर रखी है पानी की। तो अगर जो वी डैश से क्या बन रहा है, पानी बन रहा है, अगर वो इस खड्डे में पूरा भर गया तब तो लेवल सेम रहेगा, ज्यादा वॉल्यूम आ गई तो लेवल बढ़ जाएगा, और कम आया तो वॉल्यूम लेवल कम हो जाएगा, बच्चा मानते हो? यस सर। बात चमकी सबको? यस सर। रिपीट करना। नहीं बच्चा देख, मेरे को पता है कि जब तक आइस थी, आइस ने इतनी वॉल्यूम घेर रखी थी पानी की, मानते हो? वी डैश। यस सर। तो अब मुझे बताया कि आइस कन्वर्ट हो रही है किसमें, पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो उसकी कुछ वॉल्यूम तो बनेगी। यस सर। अगर वो वी डैश, वी डबल डैश जो है, वो वॉल्यूम बन रही है, अगर वो वी डैश से बड़ा है तब तो लेवल बढ़ जाएगा। यस सर। और बराबर है सेम रहेगा, और कम है तो लेवल घट जाएगा। यस। ये बात समझ में आ गई? तो कंपेयर करना है मुझे कंपेयर करना है वी डैश को वी डबल डैश। तो वी डैश की वैल्यू क्या है? सेम ही है दोनों, दोनों सेम आ रहा, बच्चा मानते हो वी डैश और वी डबल डैश? अरे हाँ ना बोलो। लेवल सेम रहेगा, तो लेवल सेम रहेगा। तोते उड़ गया थे बच्चों में, मास्टर क्या करा गया समझ नहीं आया ना सर दोबारा? हाँ मुझे पता था, तोते उड़ जाने जेई की प्रॉब्लम आसान तो भी होती नहीं देखो। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि जब भी आइस क्यूब मेल्ट होगी किसमें, पानी में, तो लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम रहेगा। एक तो ये याद रखना, आगे काम आएगा आगे वाले सवालों में, ठीक है जी। तो मैंने किया क्या बच्चा सुन देख, मैंने बोला देख सुन कि जैसे मान ले ये आइस क्यूब थी, इस आइस क्यूब कुछ हिस्सा डूबा हुआ था और कुछ हिस्सा था। तो जो हिस्सा डूबा हुआ था बच्चा, उसी हिस्से ने तो क्या कर रखा था, पानी को हटा के खुद बैठा था, मानते हो? यस। तो वो वॉल्यूम कितनी है? वी डैश है बच्चा, मानते हो? ठीक है। तो पहले मैंने वी डैश निकाला, वो कैसे निकाला? मुझे पता कि आइस क्यूब जो है वो फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है मतलब उसके वेट को बैलेंस कर रखा है किसने? बायंट फोर्स ने। तो ये मैंने इक्वेशन लिखी, वेट क्या होगा, वॉल्यूम पूरे आइस क्यूब की इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू जी, ये वेट ऑफ क्या होगा मेरे पास, आइस हो गया। और जो डूबा हुआ हिस्सा है उससे निकालते हैं बायंट फोर्स हम लोग, तो बायंट फोर्स क्या होगी, वी डैश इनटू रो ऑफ वाटर इनटू जी, मानते हो? यस। तो इससे मैंने क्या निकाल लिया, वी डैश निकाल लिया, ये आ गया बच्चा, मानते हो? यस। अब आइस कन्वर्ट हो रही है किसमें, वाटर में, तो आइस की वॉल्यूम तो वी गिवन है, ठीक है जी। लेकिन वो वाटर में कन्वर्ट होते हैं, वॉल्यूम कंजर्व नहीं होती, मानते हो? यस। तो मुझे क्या निकालना, मैंने मान लिया जब वाटर बनेगा आइस से, उसकी वॉल्यूम क्या मान ली मैंने, वी डैश।
लेकिन मैंने क्या किया, मास सेम कर दिया, क्योंकि मास का लॉस तो होगा नहीं, जितनी 50 ग्राम अगर मेरी आइस थी तो 50 ग्राम पानी बनेगा, मानते हो? यस सर। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी को मास दोनों इक्वेट कर दिए। तो आइस का मास क्या था, पूरी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू जो मास बनेगा पानी का वो क्या बनेगा, बी डबल डैश इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। बी डबल डैश क्या है, वो वॉल्यूम जो पानी बन गई, पानी बन गई, हाँ, तो बी डबल डैश निकाल लिया मैंने। अब मुझे पता है जो खड्डा बनाया किसने, आइस ने, वो क्या बनाया था, बी डबल डैश बनाया था। उसके अंदर क्या भरने वाला हूं मैं, वी डबल डैश भरने वाला हूं, मानते हो? यस सर। अगर वी डबल डैश मेरा बड़ा है, ठीक है, तब तो लेवल बढ़ जाएगा किससे, पहले वाले लेवल से। और वी डैश अगर बराबर है वी डबल डैश के तो सेम रहेगा, और कम है तो लेवल कम हो जाएगा। बात समझ में है हरीश? यस सर। तो बस मैंने ये प्रूव कर दिया दोनों इक्वल है। तोते उड़ गए तुम्हारे? ठीक है, इसमें एक जेई में मेरे टाइम पे एक सवाल आया था, एक और बढ़िया, ठीक है जी, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम ट्राई करना एक बार, ठीक है, बिना गूगल के करना भाई, देखो सुनो, है जेई के सवाल तुम्हें सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन गूगल मत करना, रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये लिक्विड है, मान लो लिक्विड के ऊपर एक वुड है, क्या है, वुड, वुड फ्लोट करती है, बच्चा मानते हो? यस सर। उसके ऊपर एक नेल है, नेल समझते हो, कील, एक आयरन की नेल है मेरे पास, ठीक है जी, नेल रखी हुई है किस पे, वुड पे रखी हुई है, तो नेल भी फ्लोट करेगी बच्चा, बोलो बच्चा। यस सर। तो अब मैंने क्या किया, इस नेल को हल्का पुश कर दिया, तो ये नेल पानी में जाएगी, डूब जाएगी बच्चा, मानते हो? Yes, तो जब नेल पहले तो ऊपर थी इसके, अब नेल नीचे गिर गई, तो पहले के मुकाबले अब लेवल घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये होमवर्क मान लो या कुछ ही मान लो, ट्राई करना, बट प्लीज सॉल्यूशन मत देखना, प्लीज, मजा आएगा करोगे तो। आसान तो नहीं है ये शायद जेई 2003 या 2004 का क्वेश्चन है, एक एक दो तीन कुछ भी होता है, याद नहीं मेरे को, ठीक है जी। प्रैक्टिकली तुम कर नहीं पाओगे क्योंकि वॉल्यूम में चेंज बहुत कम आएगा, तुम देख नहीं पाओगे, ठीक है, या तो कील बहुत भारी लो तब तो समझ में आता है, हल्की सी कील लोगे तो वॉल्यूम में चेंज बहुत कम आएगा, माइनर सा चेंज आएगा, तो आप कभी कर नहीं पाओगे, चीज ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि पहले एक वुडन ब्लॉक था, मान लो ये वुडन ब्लॉक है, इस पे कील रखी हुई है और ये फ्लोट कर रहा है, भाई वुडन ब्लॉक तो फ्लोट करता है, उस पे कील रख दूं तो फ्लोट करती रही कील भी, अब कील को धक्का मार दिया, कील गिर गई पानी में, जब कील गिर गई पानी में तो कील गिरने के बाद पहले के मुकाबले अब पानी का लेवल बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ट्राई करना बच्चा आज, ठीक है, करोगे ना? हाँ आंसर भी कर दूंगा बच्चा, चलो फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय। क्लास होएगी? हाँ जी बच्चा, कल क्लास, हाँ डेली बच्चा, क्लास टाइम सेम रहेगा आपका ये, ठीक है, नो चेंजेस। उसके आंसर की भी सेंड, अब भेज दूंगा, 4 बजे फ्री हो भेज दूंगा, ठीक है।